Hi guys, it's Hemijus. His 6-week transformation plan में Thursday को हम shoulder, traps and abs train कर रहे हैं. आपकी body की broadness या fitness हमेशा shoulder पर depend करती है. And shoulders के 3 parts हैं. Anterior, lateral and posterior, जिसको normally हम front, side and back shoulder कहते हैं. इस plan में मैंने कुछ traditional shoulder exercises के साथ कुछ एडवांस्ड शोल्डर एक्सरसाइजेस भी ऐड की हैं. बिकॉज गाइस, अगर आप अपनी एक्सरसाइज रूटीन नहीं चेंज करते तो आपकी बॉडी भी चेंज नहीं होती. हर दफ़ा जब आप नई एक्सरसाइज लगाते हैं, आपका न्यू मसल रिक्रूट होता है. हमारे इस प्लान में हैवी वेट 6 to 8 रैप्स होंगे. मीडियम वेट हम 12 रैप्स करेंगे. हमारा रेस्ट पीरियड 45 to 60 सेकेंड्स होगा. हर एक्सरसाइज के बाद हम 2 मिनट लाइट रनिंग या ब्रिस्क वॉक ऐड करेंगे. और अगर आपके जिम में ट्रेडमिल नहीं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ पे रनिंग या जंपिंग रॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं. तो देखते हैं कि आज हमारे शोल्डर्स की कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं. हम हर डे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले 5-10 मिनट वॉर्म अप करेंगे ताकि हम अपनी बॉडी को हैवी सेट्स के लिए प्रिपेयर कर सकें और इंजरी का शिकार ना हो सकें. हमारी शोल्डर की पहली एक्सरसाइज है सीटेड शोल्डर प्रेस. गाइस, अगर आपके जिम में यहाँ पर स्मिथ मशीन अवेलेबल है तो आप इस एक्सरसाइज को वहाँ भी परफॉर्म कर सकते हैं. हम इस एक्सरसाइज के 5 सेट लगा रहे हैं. इस एक्सरसाइज से हम शोल्डर के इंटीरियर एंड लेटरल हेड को ट्रेन करें, यानी कि शोल्डर के फ्रंट एंड साइड वाले हिस्से को ट्रेन करें. आपने यहाँ पर 5 सेट परफॉर्म करने हैं और हर सेट में हम वेट को बढ़ाते जाएंगे, जैसा कि हमारे इस प्लान में हमारे हर सेट में रेपिटेशन कम परफॉर्म हो रही. तो गाइस, मेक श्योर यू टेक 45 to 60 सेकेंड रेस्ट आफ्टर अ सेट. हमारे सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज है सीटेड डंबल शोल्डर प्रेस. यहाँ पर हम एक्सरसाइज के 6 से 8 रेपिटेशन लगाएंगे. गाइस, मेक श्योर कि यहाँ पर आप हैवी वेट का इस्तेमाल करें और यहाँ आप अपने किसी भी दोस्त से सपोर्ट ले सकते हैं, बट मेक श्योर कि वेट इतना ज़्यादा ना हो कि यहाँ आप अपने मसल को हर्ट करें. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नीचे लाते हुए आपने अच्छी तरह मसल को स्ट्रेच करना है और ऊपर कॉन्ट्रैक्ट ऑन द टॉप. यहाँ पर हमारे इस सेट की सुपर सेट एक्सरसाइज है डंबल लैटरल रेज. इस एक्सरसाइज से हम अपने शोल्डर के लैटरल हिस्से को ट्रेन कर रहे हैं. तो गाइस, आपने यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान बहुत रखना है कि आप वो वेट पिक करें जिससे आप अपने शोल्डर ब्लेड से लिफ्ट कर सकें. इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए बहुत से लोग यहाँ पर हैवी वेट का इस्तेमाल करते हैं जिसे वो प्रॉपर लिफ्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी स्विंग होने लगती है. और बॉडी स्विंग होने से हमारा प्राइमरी फोकस शोल्डर पर नहीं रहता. गाइस, हमारे शोल्डर के जॉइंट सेट की पहली एक्सरसाइज है स्टैंडिंग बारबेल प्रेस. यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं खाली बार का इस्तेमाल कर रहा हूँ. गाइस, यहाँ पर आप भी ट्राई करें कि आप इसको खाली बार के साथ परफॉर्म करें, क्योंकि रीज़न ये है कि जब हम जॉइंट सेट परफॉर्म करते हैं तो हम बैक टू बैक एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे और हम यहाँ पर कोई रेस्ट नहीं लेंगे. तो इसीलिए आप खाली बार का यूज़ करें, क्योंकि हम यहाँ पर इसके 20 रेप्स लगा रहे हैं. हमारे यहाँ पर शोल्डर की दूसरी एक्सरसाइज है डंबल बेंट ओवर रेसेस. यहाँ पर हम अपने शोल्डर के पीछे वाले हिस्से को ट्रेन करें, जिसे हम रेयर डेल्ट करते हैं. तो गाइस, इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए लाइट वेट का इस्तेमाल करें
ताकि आप इसके प्रॉपर पूरे रैप्स स्लो एंड कंट्रोल फॉर्म के साथ लगा सकें। मैंने देखा है कि मोस्टली लड़कों के शोल्डर्स वेल डेवलप नहीं होते, स्पेशली बैक शोल्डर। तो गाइस, यू हैव अ वेल राउंडेड शोल्डर, मस्ट ऐड दिस एक्सरसाइज। हमारी जैक सेट की आखिरी एक्सरसाइज है आइसोमेट्रिक लैट रेस। हम यहाँ पर इस पोजीशन को 30 सेकंड के लिए होल्ड करके रखेंगे, तो मेक श्योर यू पिक द राइट मूव। गाइस, इसको होल्ड करने से मसल ज़्यादा देर टेंशन में रहता है, जिससे हमारा फैट बर्न, स्ट्रेंथ इंक्रीज और मसल गेन होता है। गाइस, हम शोल्डर टेप पर ही अपने ट्रैप्स को ट्रेन कर रहे हैं, जिन्हें हम कॉलर भी कहते हैं। तो हमारी इसकी पहली सुपर सेट एक्सरसाइज है डंबल शर्ट। यहाँ पर हम हैवी वेट का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके 6 से 8 रेपिटेशन परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, मेक श्योर कि जब आप डंबल को ऊपर लिफ्ट करें, अपने ट्रैप्स को अच्छी तरह से कंट्रैक्ट करें। हमारे ट्रैप्स की अगली सुपर सेट एक्सरसाइज है अपराइट बारबेल रो। ये एक्सरसाइज मेजरली टारगेट करती है हमारे अपर बैक यानी ट्रैप्स को और फ्रंट शोल्डर को। तो अपर बैक ट्रैप्स हमारा यहाँ पे प्राइम मसल है, सेकेंडरी शोल्डर्स, यहाँ हम इसके 12 रैप्स करेंगे। तो गाइस, हमारे ट्रैप्स की दूसरी एक्सरसाइज है स्मिथ मशीन श्रग्स। यहाँ पर हम इस एक्सरसाइज के 3 सेट परफॉर्म करेंगे और हर एक की रेपिटेशन 15 होगी। तो गाइस, यहाँ पर हम अपने ट्रैप्स यानी कि अपर बैक के पोर्शन को ट्रेन करें। तो इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए मेक श्योर कि आपकी बैक स्ट्रेट रहे, ताकि आप अपनी बैक को इंजर ना कर सकें। एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद आप मेक श्योर करें कि आप अपने मसल को अच्छी तरह से पोस्ट वर्कआउट स्ट्रेस भी करें, ताकि आपका मसल रिलैक्स हो सके। हमारे ऐप से सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज है प्लैंक। गाइस, इसको परफॉर्म करते हुए आपने मेक श्योर करना है कि आपकी कमर सीधी रहे। आप यहाँ ट्राई करें कि आपकी एल्बोज आपके सर या कानों के पास रहें, जिससे आप अच्छी तरह अपने कोर को ज़्यादा स्ट्रेस कर सकते हैं। हम नॉर्मल प्लैंक के साथ सुपर सेट साइड प्लैंक ईच साइड ऐड करें और हम ईच साइड पर 45 सेकंड तक प्लैंक होल्ड करके रखेंगे। गाइस, जिन लोगों को साइड लव हैंडल्स की प्रॉब्लम है, वो ये एक्सरसाइज मस्ट करें। गाइस, इसको परफॉर्म करते हुए मेक श्योर कि आपका बैलेंस अच्छा रहे। हमारे एब्स के अगले सुपर सेट की पहली एक्सरसाइज है प्रेशर किक्स। गाइस, ये एक्सरसाइज हमारे एब्स के मिड एंड लोअर एब्स को टारगेट करती है। आप यहाँ पर अपने हाथ ग्राउंड पर रख सकते हैं, ताकि आप अपना बैलेंस मेंटेन कर सकें। इस सुपर सेट की दूसरी एक्सरसाइज एब सीजर है, जो कि हम 45 सेकंड तक परफॉर्म करेंगे। गाइस, ये एक्सरसाइज हमारे ट्रांसवर्स एब्डोमिनल मसल एंड लेग्स को ट्रेन करती है। यहाँ पर हमारी एब की थर्ड बैक टू बैक एक्सरसाइज है हील टचिंग। जब भी हम इस एक्सरसाइज में अपने हाथ हील को टच करें, तो मेक श्योर कि आप अपने लीग्स को अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्ट करें। ये एक्सरसाइज हमारे एक्सटर्नल एंड इंटरनल ओब्लिक्स को टारगेट करती है। तो गाइस, टेक 45 सेकंड रेस्ट एंड रिपीट सेकंड एंड थर्ड। तो ये था हमारा आज का वर्कआउट। मेक श्योर यू हैव योर फर्स्ट वर्कआउट टू गो।